भाई के अरमान जागे। टूटा हुआ ख्वाब है ये। एक दो ही गाड़ी आती है भाई, मैं तो पूरी तरह आराम से चल रहा था। कोई बात नहीं, आराम से बना दो सर आप वीडियो खूब। नहीं नहीं, हम एक्चुअली नहीं, हम ब्लॉग बना रहे हैं ना, हम यूट्यूबर हैं, हम ब्लॉग बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप हां इसलिए हमारे को इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आओ सर। अरे सर गाइस यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, लिमिट है 80 की और यहाँ कहीं बोर्ड नहीं लगेगी लिमिट कितनी है, ठीक है। सेकेंडली दूर दूर तक कुछ है नहीं यहाँ पे, तो अब मैं आराम से जा रहा था अपना भाई, मैं था मेरे को रोक ले पुलिस वालों ने, कट गया ठीक है, और मेरी स्पीड थी 89 उन्होंने बताई मेरे को, तो 2000 का सीधे चलान कर रहे थे। मैंने सर पहली बात तो कहीं बोर्ड नहीं है, बोर्ड नहीं है, कोई आपका नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ लाइन वगैरह नहीं है, जबरदस्ती क्या ऐसे रोक रखा है आपने, तो और ऐसा बनी कि मैं 100-120 जा रहा हूँ ठीक है। मेरे पास एक गाड़ी और रोकी 103 की स्पीड, तो फिर मैंने सर देख लो आप फर्क देख लो, फिर एक क्रेटा वाला जा रहा था उसको रोक रहा था, रुका नहीं, सीधा आगे नोटिफिकेशन दे दी कि अगले वाले चेक पोस्ट पे बंदा उसको रोक लेगा, तो अगले वाले चेक पोस्ट उसको रोक लेंगे। थर्डली भाई गाड़ी पे गाड़ी रोके जा रहा, मतलब 81 भी हो रही है ना भाई, उसको भी रोक रहे हैं ये लोग, तो यार इतना तो हाईवे पे अलाउड होना चाहिए कि आप 5-10% मतलब जो स्पीड लिमिट उसका थोड़ा बहुत तो ऐसे सबको अलाउड होना चाहिए। आप अगर खाली रोड पे, बिल्कुल खाली रोड पे, ना कहीं कोई ढाबा है, ना कुछ है, जंगल झाड़ियां हैं, 80-85-89 ज्यादा कोई मैटर नहीं करता इतना ज्यादा, और 80 पे अगर मैं 100 जा रहा हूँ तो शायद मेरा चलान पड़ता 2000 रुपए का, 90 पे तो यार इतना कुछ होना नहीं चाहिए, जबरदस्ती का बस पैसे बनने की टेक्निक थी। सच बताऊँ तो मैं मिला है मस्त रेस्टोरेंट, हम खाएंगे चारपाई पे बैठ के गजब तरीके से। क्या बेस्ट है भाई तुम्हारा? एक तो दाल बाटी चूरमा ला दो, हमने कभी खाया नहीं है तो आज टेस्ट करेंगे। और थाली होती है, थाली आपके पास पूरी है? थाली दाल बाटी थाली है ना पूरी। अच्छा, और पंजाबी थाली है, प्लेन थाली है, एक पंजाबी थाली, पंजाबी थाली, एक पंजाबी थाली, उसमें है क्या क्या ये देख ले पहले। पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई, बूंदी रायता, जीरा राइस, तंदूर रोटी, 3 पीस देख ले। भाई खाना आ चुका है, मस्त खाना है। सबसे पहले तो ये जानना है कि ये दाल बाटी चूरमा खाते कैसे हैं और पनीर का अटैक करना है, चलो खा के मिलेंगे। भाई वसीम ना वॉशरूम में 15 मिनट से है, पता नहीं क्या ही कर रहा है, बहुत देर हो गई है, तो हम लोग ने करा सर प्रैंक, हमने गाड़ी हटा के लगा दी साइड में, छुपा दी है, देखते कब आएगा। गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, भाई कब आएगा, 15-20 मिनट होगा। ये देखो ये कैसे कोपचे में से देख रहा है उसको, दिख तो सब रहा है यहाँ से भी, उधर है वॉशरूम वो, भाई आ गया है वो सीन। अरे चला यहीं से दिख जाएगा वो, रुक जा साइलेंट पे लगा लेता हूँ, कभी फोन बज जाए देख लो, ये आ रहा है, ये वसीम आ रहा है। यहाँ से निकल देखेगा, अरे कहाँ ये क्या क्या क्या, अरे यार इधर से बाहर निकल गया, यहीं खड़े रहेंगे, यहीं खड़े रहेंगे, इंदिरा इंदिरा भैया जी क्या कर रहे थे इतनी देर तक तुम? हैं? क्या? इसी तो क्या कर रहे थे? गाइस यहाँ देखो आपको ज्यादातर मार्बल्स की फैक्ट्री दिखेंगी, यहाँ जितना भी सब मटेरियल है सब मार्बल है और ये दिखेगा, बिकॉज ये बहुत बड़ी मार्बल मार्केट है जहाँ हम लोग जाने वाले हैं। ये देखो इधर भी मार्बल ही मार्बल है, तो यहाँ जहाँ हम जाने वाले हैं दैट इज डंपिंग यार्ड, जहाँ पे मार्बल बनाने के बाद जो भी वेस्ट वगैरह होता है ना उसको डंप किया जाता है, एंड वहाँ पे मतलब बेसिक इनफैक्ट मतलब वहाँ पे ना यार वो उसको स्विट्जरलैंड कहते हैं बेसिकली राजस्थान का, क्योंकि इतना ज्यादा व्हाइट एंड वाटर एंड ऑल एवरीथिंग वहाँ पे हो रखा है, मूनलैंड भी कहते हैं उसको, सही बोला नसल भाई ने, तो वो चीज़ है। एंड अभी वहाँ पे चल रहे हैं भैया, एंट्री नहीं मिलेगी ऑफिस से भैया, 1.5 किलोमीटर आगे सेकंड चौराहे लेफ्ट में। अच्छा, वहाँ से एक पास बना के लियो घूमने। कब तक खुला है वैसे? मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा। बड़े दूर से आया यार, दिल्ली से आया हुआ,
डेढ़ किलोमीटर दूसरे चौराहे से राइट लेफ्ट। चलो भाई पहले मैंने बोला था ना परमिशन लेनी पड़ेगी तो इसे फटाफट कवर करते हैं और फिर निकलते हैं। ये ना दूसरे चौराहे से राइट भाई लेफ्ट। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में आ गए हैं। ये देखो पूरा यहाँ पे इसका ऑफिस है, जबरदस्त ऑफिस लग रहा है। चलो फटाफट परमिशन लेके आते फिर चलते हैं। भाई परमिशन बोल के ऐसा लगा था कि बड़ा मुश्किल से मिलेगा एंड बोले बात बात करनी पड़ेगी जाके, काफ़ी ब्लॉक ब्लॉक होगा। हम तो अंदर आए, दो लोग बैठे हुए थे आराम से, हमने बोला परमिशन चाहिए। ये स्लिप थी, नाम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा जो मैंने हाइड कर रखा है, आधार कार्ड नंबर लिखा वो मैंने हाइड कर लिया अपना, और गाड़ी का नंबर लिखा है, और ये तीन आदमी है उनका सिग्नेचर है, बस डन। चलो चलते हैं फटाफट से। ऑर्डर पहुँच गए, एंट्री ले रहे हैं अब मस्त एकदम गजब तरीके से। धूल ना आए बिल्कुल भी। चलो पहुंच गए भैया, कैमरा सामने खुला हुआ है गाड़ी में, कह रहे कैमरा तो नहीं, मैंने नहीं कैमरा नहीं है। फिर कह रहे DSLR की पूछ रहा हूँ, अच्छा मैंने DSLR नहीं, DSLR बिल्कुल नहीं। ओ भाई भाई क्या जन्नत है यार ये, बाय गॉड। भाई मैं बता नहीं सकता कितनी सुंदर जगह लग रही है ये, एंड सीरियसली भाई जन्नत जैसी वाइब आ रही है, जैसे कहते ना जन्नत, एग्जैक्टली वो। एंड अगर इसको बनाने वाला तरीका मैं आपको बताऊं तो इतना सिंपल है कि लोगों ने क्या करा, यहाँ पे मार्बल मैंने बताया पूरी फैक्ट्रीज है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है ना जो डंप होता है, यहाँ ला के डंप करा, अपना बनना शुरू हो गया। भाई ये देखिए ये तो कूड़ा कबाड़ा हो रखा कुछ, और यहाँ पे पानी वगैरह भी ऑटोमेटिकली अपना आप ही आया है, तो जैसा भी है जो भी है बहुत सुंदर है। हाँ यहाँ पे तो वसीम का प्री वेडिंग शूट भी होएगा, आप डिसाइड लोकेशन डिसाइड कर ली इसमें तो अपनी। चलो भाई नीचे उतरते, अरे उतरना कहाँ से है भाई, अच्छा वो रहा रास्ता, पागल है क्या, वाइट वाइट हो रहा है पूरा, मेरी ब्लैक पेंट वैसी है, बस चमक जाऊंगा एकदम। चल भाई चल 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 चल, अरे भाई सामने से जाना था शायद। आ रहा हूँ भाई, भाई सामने से तो हट जाओ यार। चलो भाई पहुंच गए, भैया 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 बिग सुंदर प्लेस है यार ये तो, सस्ता मूनलैंड भाई। अरे चांद पे है अपन, पानी ढूंढ लिया था, पानी दे चुन्नी पर लगा रहा लगता है तो। ये देखो यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है बहुत सारी जगहों पे यार, इधर भी है उधर भी चल रहा है, अरे ये कहाँ से आ गया, इधर भी है, काफी जगह चल रहा है, बिग सुंदर प्लेस भाई, मतलब पता नहीं था कि इतना अच्छा होगा ये। क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, मैं थोड़ा सा आई से लो करता हूँ, थोड़ा अंधेरा ज़्यादा हो जाएगा कोई बात नहीं, बढ़ा ही देता हूँ वापस। तो अब ये देखो यार जो पानी है ना ये काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्लूइश है और गंदा ही होगा मेरे हिसाब से, साफ तो नहीं होगा ना, बारिश पानी तो गंदा है ना, पानी तो गंदा ही है भी। ए, तो चुप रहे चुप रहे, जैसे पूछा कुछ भी बोल देता है। अनपढ़ गवार साले,
तो मतलब बेसिकली पूरा भाई यहाँ पे मार्बल का डंप वगैरह है और ये पानी है, पता नहीं नेचुरल अपना पे आया है जो हवा के साथ बढ़िया फ्लो हो रहा है। हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे, फ्लो अच्छा आ रहा है। द सेकंड थिंग इज कि सूरज बहुत अच्छा है और पानी बहुत गंदा है। मुझे मैं पानी कितना गहरा है, डुब डुब के मार के देखियो, दोबारा करियो, डुबकी मार के देखियो कितना गहरा है। हम कह रहे थे पानी गंदा है, ये आदमी तो हाथ पैर धो रहा है, कुल्ली कर रहा है, क्या ही मजाक चल रहा है, क्या पता शायद पानी साफ हो भाई, लेकिन हमें तो गंदा ही दिख रहा है। वहाँ पे गेट बना रखा है इन्होंने, ये वहाँ भी चलेंगे अभी, चल अभी गेट पे ही चल चल। और ये कितनी बड़ी दीवार है भाई यहाँ पे, ह्यूज मैसिव वॉल भाई मैसिव, इसके सामने मस्त फोटो आएगी। इंस्टाग्राम को जिसने मारोगे भाई फॉलो कर लेना, हम तीनों को जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा डायरेक्टली जाने के लिए, सर्च नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। अबे घोड़े क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे, पूछ के आते हैं। चलो भाई सामने भी बहुत है यार, पीछे देखिए इसके बहुत बड़ा है यार, ये छोटा मोटा नहीं है बिल्कुल भी। वो तो पेड़ वाला पेड़ कितना प्यारा है वो देख, चल 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 आजा, वो पेड़ प्यारा है, उस पेड़ पे चलें डायरेक्ट, पहले तो बाद में करेंगे जो करेंगे, पहले वो पेड़ पे चलते हैं। सारे प्यार सब कुछ ही प्यारा है भाई, ये देख ये वाला पेड़ भी प्यारा है, हाँ वो वाला पेड़ भी प्यारा है भाई, प्री वेडिंग शूट के लिए भाई के अरमान जाके ये हाँ ये गुड क्वेश्चन, कौन सी वाली से एक ही है तो अल्लाह ने दी है, अल्लाह ने तो बहुत दी है, जिसका रिसीव मेरे साथ लिखा होगा वही मेरे साथ जाएगी। सो ब्यूटिफुल यार, एंड मतलब मैं बता ही नहीं सकता कि कैसे बना होगा, कब बना होगा, नो आंसर, जस्ट इंजॉय द ब्यूटी। सवाल बहुत सारे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, जवाब कोई मैंने, और ये कितना सुंदर लग रहा है, पर ये क्या बना है भाई इन्होंने। अच्छा ये देखो मार्बल से इन्होंने ये गाड़ दिया यहाँ पे, और साइड में एक पेड़ जो कि बारहसिंगा जैसा लग रहा है, जो भी सुंदर है ये देखो। भाई देखो बात ऐसी है कि सूरज डूबने वाला है, रील भी बनानी है, व्लॉग भी बनाना है, तो भाग भाग के कवर करना पड़ रहा सब कुछ। ये पानी का मौसम, क्या 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 क्या, इधर इधर फोन देना मुझे जल्दी से, क्या फिर क्या करना, व्लॉग बनाऊंगा ना। अच्छा पैर धो जाएंगे, बन गया व्लॉग, आ गया मजे, खुश ये डलेगा। लेट करवा रहा है भाई, देखो मेरे साथ क्या सीन हुआ था, मैं यहाँ फिसला, नहीं नहीं मैं यहाँ फिसला था, मैं यहाँ फिसला था, और ये देखो ये ऐसे बिल्कुल लग रहा है कि भाई जैसे ना बिल्कुल सूखा है, ये देखो देखो लेकिन पानी है, देखो अभी वैसे लग रहा था मुझे सूखा है लेकिन लेकिन जिंदा पानी है भाई, ये एकदम ये देखो लग ही नहीं, हल्का सा पता नहीं लग रहा पानी है।
भाई सनसेट हो रहा है यार, तो अंधेरा हो गया काफी ज्यादा। ये जगह पूरी तो एग्जैक्टली हम कवर नहीं कर पाए बिकॉज हमें सिर्फ एक घंटा ही मिल पाया, और ये थोड़ी ज्यादा टाइम मांगती है भाई जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा सुंदर है। भाई कल दोबारा आएंगे, कल दोबारा आ जाएंगे, परसों दोबारा आएंगे, कल दोबारा आएंगे, कल 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 परसों दिल्ली में, परसों दिल्ली में, हाँ कल दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे इस पत्थर में ले जाए क्या, वो देखो क्या मेहनत चल रही है शूटिंग के लिए। दो दो। यार देखो सही बताऊँ तो ना अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, जहाँ देखो वहाँ पे कपल शूट चल रहा है, इस आदमी अपनी वेडिंग प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे भी, जहाँ देखो पूरे कोने में ज्यादा सिंगल लोग हैं हम लोग भी। भाई कितना बड़ा है यार ये, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, पूरा मार्बल ही मार्बल है, और मेरा एक जूता गीला हो गया यार हल्का हल्का सा, फिसल गया ना मैं। हाँ रोमांटिक पिक्चर बना दो तुम तो, आदित्य चोपड़ा हो रहे हो बिल्कुल। मैं रिग्रेट हो रहा हूँ मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लेट आने की वजह से यार, और यहाँ पे ना मेरे को मुझे डाउट हो रहा है कि भाई यहाँ पे एग्जैक्टली पानी है या ये सूखा है, और अगर सूखा है तो कितना सूखा है। मेरे हिसाब से भाई फिर भी गीला होगा थोड़ा बहुत, इसमें अंदर जाएंगे जरूर। यार देखो क्या सुंदर है यार ये, देखो जितना गहरा दिख रहा है सब में पानी था भाई, सही सुंदर है भाई यार ये सनसेट हो। भाई ये देख, भाई ये देखो ये कुछ बनाया है इन्होंने मार्बल से, व्हिच इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। चिट्ठियों के संदेश विदेश भाई, टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, इट वॉज रियली लवली लवली प्लेस। एंड अरे वो सामने क्या हो रहा है भाई, वो देखो जेसीबी काम चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, और अभी भी यहाँ पे लोग फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। भाई क्या मैसिव फोटोशूट होता है भाई यहाँ पे, अलग एकदम जिसे कहते हैं एकदम प्रॉपर प्री वेडिंग शूट होता है, प्रॉपर वाले चल रहे हैं यहाँ पे। सेकेंडली हमने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, तो डू चेक आर इंस्टाग्राम बिकॉज वहाँ पे रील्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, स्टोरीज मिल जाएंगी, वहाँ पे यूट्यूब जल्दी अपडेट भी आ जाता है, तो वहाँ पे हमें जाके फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्क्रीन पे भी नाम आ रहे होंगे, फटाफट जाओ फॉलो करो यार। भाई इतने गौर से क्या देख रहे हो, टूटा हुआ ख्वाब है ये। भाई रात में देखो थोड़ा सा ब्लूइश लग रहा है ना अभी, क्योंकि सनलाइट थोड़ा स्काई का रिफ्लेक्शन सा है यहाँ पे कुछ, तो थोड़ा सा ब्लूइश हो गया यहाँ पे, ये सामने थोड़ा सा ऑरेंज स्काई हो गया है, और यहाँ बीच में एक और फोटोशूट चल रहा है, हम तो भाई परेशान हो गए फोटो देख देख के, और इधर तो फुल खुदाई ही खुदाई, खुदाई ही खुदाई। क्या नसर सही कह रहे हैं, केजीएफ वाला सीन लग रहा है ऐसे कि यहाँ पे भाई माइनिंग वगैरह हो रही है, पीछे पहाड़ी इलाका है प्रॉपर जबरदस्त यार। और इस साइड देखो, इस साइड क्या व्यू आ रहा है, ये थोड़े पास के पहाड़ों पीछे के पहाड़ उनके और शैडो वगैरह आ रही है, ये आसमान आय हाय, और ये खड़ी अपनी धन्नो सुंदर लग रही है, ये भी सुंदर लग रही है। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अजमेर नाउ, अजमेर में फटाफट जाएंगे भाई, पहले तो एक होटल लेंगे जो तक हमने बुक नहीं करा है, और फिर उसके बाद देन वील गो टू दरगाह अगर टाइम मिलता है तो, वैसे तो रात को चले ही जाएंगे एक बार, और उसके बाद फिर कल सुबह दरगाह जाएंगे और आगे का प्लान करते हैं।
भाई अंकल का लाख लाख शुक्रिया, वो नाम तो खड़े थे, हम तो यहाँ पे एक आध घंटा खड़े रह जाते। अंकल ने बताया ये फाटक खुलता नहीं है, परमानेंट बंद है, पीछे वाली गली से जाना पड़ता है। और अच्छा एकदम करंट में मिल गए थे, वरना तो हम सोच रहे कि ना सामने हम तो ट्रेन के अंदर भरे थे, तो ना पीछे से कोई है, बंदे तो रील बनाने के चक्कर में थे। और ये पुल ऊपर से बाइक वाले क्यों आ रहे हैं भाई, और ये वाली गली कुछ पतली सी नहीं ज्यादा भाई, ये पक्का हो रहा है तो यही भाई, पता नहीं कहां से जाएंगे। तो ये आ तो रहे कि बाइक वाले कुछ ऊपर से भी आ रहे थे, चलो बच गए, थैंक यू अंकल, लव यू अंकल। तो भाई हमने ले लिया है होटल, हम जा रहे हैं, और जब होटल वाले ने पूछा कि रूम कैसा चाहिए, मैंने बोला पार्किंग चाहिए, होटल नहीं पहले पार्किंग दो। तो थर्ड फ्लोर पे अपना होटल है, अभी जा रहे हैं, वो दोनों जा चुके हैं ऑलरेडी, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, अब अपन चलेंगे आराम से। खुल जा सिम सिम, अरे खुल जा, खुल गया पहले। I've been lost, I'll be found in the broken, way out in the-